Cause I just wanna go 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 to the deep end I just wanna इस कैसे हैं आप सब अगर फ्रेंड्स आपके पास है Vivo का बाई सेवेंटी फाइव तो फ्रेंड्स मैं आपको बताने वाला हूं फ्रेंड्स इस फोन के बहुत ही अमेजिंग हिडन फीचरों के बारे में जो कि काफी ज्यादा यूजफुल रहेंगे अगर आप उनको यूज करते हैं डेली यूजेस में तो इस फोन को और भी अमेजिंग टाइप से आप यूज कर सकते हैं तो आपको ये जानना है तो क्या क्या रहने वाले हैं कौन कौन से फीचर कहाँ रहते हैं और कौन सा फीचर कैसे काम करता है तो सब कुछ आपको पता चलेगा बस वीडियो को कंप्लीट देखिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक कर सकते हैं नहीं अच्छा लगता है वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हैं तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो शुरू करते हैं आप अपने फोन की सेटिंग को ओपन कीजिए

स्क्रीन शॉट का एक आइकन देखने को मिलेगा सीजर वाला इस पर क्लिक करके आपको यहाँ कई सारे यहाँ जो स्क्रीन शॉट के ऑप्शन है वो देखने को मिलेंगे जैसे कि आपको हार्ड टाइप स्क्रीन शॉट क्लिक करना है तो इस पर क्लिक करके आप हार्ड टाइप स्क्रीन शॉट को बना सकते हैं इसी के साथ आप इसमें कुछ लिखना चाहते हैं तो वो भी लिख सकते हैं जिससे कि आपको देखने को मिलेगा डूडल इस पर क्लिक करेंगे इसका कलर सेलेक्ट करेंगे और इसको आप जो आपकी पेन होगी उसका जो साइज होता है उसको कम ज्यादा कर सकते हैं तो जो भी लिखना चाहें आप इस टाइप से उसको लिख सकते हैं जो भी चाहे आप वो लग सकते हैं इसमें हार्ड में और इसके तरह सेव करेंगे तो आपका स्क्रीन देखेंगे इस टाइप से आ चुका है अगर आपको इस फोन में थ्री फिंगर से स्क्रीन शॉट बनाना है तो यहां से आके ये वाले फीचर इनेबल करना होगा और इस तरीके से डाउन करा के आप इस फोन में थ्री फिंगर से भी स्क्रीन शॉट को क्लिक कर सकते हैं इसके साथ ही मैं आपको कुछ और भी फीचर के बार बारे में बता दूं स्क्रीन शॉट के जो कि आपको एस कैप्चर में देखने को मिलते हैं फनी स्क्रीन शॉट पर जाएंगे यहां पर आपको देखने को मिल जाता है लेसो स्क्रीन शॉट इस ऑप्शन पर क्लिक करा के आप इस जिस एरिया का चाहें उस एरिया का सेलेक्ट करके स्क्रीन शॉट को बना सकते हैं ये काफी अमेजिंग फीचर लगता है मुझे फ्रेंड्स इस फोन का जो कि काफी यूजफुल भी है जैसे कि आप चाहते हैं इस एरिया के केवल स्क्रीन शॉट क्लिक करना तो यहां सेलेक्ट कर देंगे तो इस टाइप से आपको स्क्रीनशॉट देखने को मिल जाएगा इसके बाद मैं आपको एक और चीज यहां पर बता दूं जो कि मिलता है आपको डूडल स्क्रीनशॉट इस पर क्लिक करा के आप डूडल कर सकते हैं अपने स्क्रीन पर जैसे कि जो भी नाम लिखना चाहे वो नाम लिख सकते हैं इस टाइप से नाम लिखना है आपको और आपका स्क्रीन फिर आपको ये देखने को मिलेगा तो हम इस तरह सेव करेंगे तो देख सकते हैं स्क्रीन इस टाइप से आ चुका है तो काफी अमेजिंग फीचर रहते हैं यहाँ पे एस कैप्चर के अंदर जो कि अपने हिसाब से आप सेट कर सकते हैं यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग वगैरह भी है आपका लॉन्ग स्क्रीन है डायरेक्टली आपका क्रॉप स्क्रीन है ये सब फिर से आपको यहाँ देखने को मिल जाते हैं एस कैप्चर में अब बात करते हैं यहाँ पे फ्रेंड्स जो कि आपको देखने को मिलता है स्मार्ट स्प्लिट इस ऑप्शन पर क्लिक करा के आप स्क्रीन को आप डुअल विंडो में यूज कर सकते हैं जैसे आप चाहते हैं दो एप्लीकेशन आपके सेम टाइम में चलना चाहिए तो यहाँ से आपको ये फीचर इनेबल करना है माली जो आपका डायलर है आपके उसको ओपन करना है थ्री फिंगर लेना है और इस तरीके से आप करना है जैसे ही आप करेंगे तो आपका ये थ्री फिंगर से ऊपर चला जाएगा आपका एक विंडो नीचे को और कोई दूसरा एप्लीकेशन ओपन कर सकते हैं जिसके आपको मैसेंजर ओपन करना है नीचे तो नीचे देख सकते हैं आपको मैसेज ओपन हो चुका है ऊपर आपका डायलर ओपन है तो दो एप्लीकेशन आप सेम टाइम में यूज कर सकते हैं किसी एक का ज्यादा यूज करना है तो इस तरीके से ऊपर करके आप नीचे वाले को ज्यादा एरिया में ला सकते हैं ऊपर वाले को आप ज्यादा एरिया में लाना चाहते हैं तो इस तरीके से डाउन करा के ऊपर वाले को ज्यादा एरिया में यूज कर सकते हैं तो ये फीचर आपको देखने मिल जाता है फ्रेंड्स इस फोन के अंदर स्प्लिट स्क्रीन का इसके बाद हम थोड़ा सा और यहाँ पर पर बात कर लेते हैं कुछ और फीचरों के बारे में जैसे कि यहां पे आपको तो मिल जाता है स्मार्ट मोशन इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहां पे काफी अच्छे फीचर मिलते हैं आपकी लॉक स्क्रीन पर रिलेटेड तो यहां सबसे सब पहले तो बात करते हैं पे ऑटो स्क्रीन ऑन ऑफ की तो जहां पे क्लिक करेंगे तो राइस टू ये देखेगा इस फीचर को इनेबल कीजिए काफी अमेजिंग फीचर है चलिए पहले जानते हैं इसके बारे में कैसे काम करता है मान लीजिए फोन आपका टेबल पर रखा हुआ है टेबल में रखे हुए फोन को जैसे आप उठाएंगे तो आपकी जो स्क्रीन है ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगी जैसे कि फोन रखा इस तरीके से उठाया तो स्क्रीन ऑटोमेटिक देख सकते हैं ऑन हो गई है वापस से रखेंगे तो देख सकते हैं हमारा जैसे हमने स्क्रीन ऑफ कर रखा है और उठाएंगे तो स्क्रीन इसकी तरीके से ओपन ऑटोमेटिक हो जाएगी तो इस तरह से फ्रेंड्स हम इस फीचर का यूज कर सकते हैं यहाँ पे आपको देखने मिल जाता है डबल टैप टू लाइट अगर इस वाले फीचर को फ्रेंड्स हम इनेबल करके कर रखते हैं तो लॉक स्क्रीन पे हम डबल टैप करेंगे तो हमारी स्क्रीन ऑन हो जाएगी हमें पावर बटन प्रेस करने की जरूरत नहीं है सिंपल डबल टैप कर रहे हैं तो हमारी स्क्रीन ऑन हो जाएगी इसी तरीके से आपको देखने मिल जाता है डबल टैप टू ऑफ जैसे कि हम डबल टैप करके ऑन कर सकते हैं स्क्रीन इस इसी टाइप से डबल टैप करके ऑफ भी कर सकते हैं जैसे ऑन हो गई डबल टैप करेंगे तो स्क्रीन ऑफ भी हो जाएगी इस टाइप से फ्रेंड्स आप इस फीचर का यूज कर सकते हैं थोड़ा सा बैक आ जाएंगे बैक आने पर आपको देखो मिल जाता है सेक टू टर्न ऑन दी फ्लैश लाइट इस फीचर को जरूर से इनेबल कीजिए आपका लॉक स्क्रीन पे आपकी फ्लैश लाइट ओपन करने के काम आता है जैसे कि स्क्रीन इस, इस तरीके से आपको ओपन करना है अपना फोन इस तरीके से सेक करना है जैसे फोन सेक करेंगे तो आपकी फ्लैश लाइट देख सकते हैं ओपन हो चुकी है तो इस टाइप से फ्रेंड्स इस फोन के आप फ्लैश लाइट को ओपन करा सकते हैं मतलब आपको क्या करना है स्क्रीन इस, इस तरीके से लेना है फोन और इस तरीके से पहले तो स्क्रीन ऑन करना है इसके बाद अपना फोन सेक करना है जैसे चेक करेंगे तो आपकी जो फ्लैश लाइट है वो ओपन हो जाती है तो इस टाइप से फ्रेंड्स अपनी फ्लैश लाइट को आप लॉक स्क्रीन पर ही ओपन you करा सकते हैं इसको थोड़ा सा बैक आएंगे आपको देखने को मिलेगा क्विक एक्शन इस ऑप्शन पर जाएंगे यहां पे भी काफी अच्छी फीचर आपको देखने को मिल जाती तो है हमारा पावर ऑन ऑफ फ्लैश लाइट जो कि आपकी लॉक स्क्रीन पे जो आपका वॉल्यूम डाउन बटन है इसको प्रेस करा के रखेंगे तो आपकी जो फ्लैश लाइट है इस तरीके से भी आप ओपन करा सकते हैं इसकी जगह आप और भी यहां पे सिलेक्शन कर सकते हैं और और एप्लीकेशन का भी जैसे आपको देखने को मिलेगा आप यहाँ पे रिकॉर्ड ऑडियो अगर आप इसको सेलेक्ट करेंगे तो आप लॉक स्क्रीन पर ही मान लीजिए किसी टाइम जो आपकी ऑडियो वगैरह उसको रिकॉर्ड करना है सिंपल एक क्लिक करना है आपको यहाँ पे और वोल्यूम बटन जो डाउन बटन है उसको प्रेस करके रखना है तो आपकी ऑडियो रिकॉर्ड होने लगेगी लॉक स्क्रीन पर ही यहाँ पे कैमरा भी को सेट कर सकते हैं और फेसबुक के लिए सेलेक्ट कर सकते हैं किसी और एप्लीकेशन को सेलेक्ट करना है तो वो भी कर सकते हैं ओपन एप्स पर क्लिक करना है उसके लिए और यहां से किसी भी एप्स को आप सेट कर सकते हैं जिसको चाहें वो आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं जैसे लॉक स्क्रीन पर आप चाहते हैं वॉल्यूम डाउन बटन को प्रेस करा के क्या ओपन हो जाए तो यहाँ से आप वो भी सेट कर पाएंगे इसके बाद आप आपको देखने मिल जाता है एची टच इस ऑप्शन पर क्लिक करा के इस फीचर को जरूर से एनेबल कीजिए यहां पे आपको एक बबल्स देखने को मिलेगा इस वाले फीचर पर क्लिक करा के आप देख सकते हैं कई सारे कंट्रोल्स को यहाँ पर ला सकते हैं जैसे कि स्क्रीन शॉट है आपका कैलकुलेटर है स्क्रीन रिकॉर्डिंग है फ्लैश लाइट है सर्च वार है इसी टच है इसके साथ ही आपको देखने मिल जाते हैं कुछ एप्लीकेशन यहाँ पे और भी एप्स को आप ऐड कर सकते हैं जैसे कि आपको दो दो तो एप्स यहाँ पे एड ही है इसके बाद तो आपको और एड करना है या फिर आप पे यहाँ पे जो आपका बबल्स देखने मिलता है इस पर क्लिक करा कराकर किसी भी एप्स को एप्स को आप डायरेक्ट ओपन कर सकते हैं जैसे कि यहाँ पे आपको देखने मिल जाता है टैप टैप करने पर आपका देख सकते हैं यहाँ पे कुछ भी सेलेक्टेड नहीं है और डबल टैप पे आप कुछ सेट करना चाहते हैं मान लीजिए डबल टैप पे आप सेलेक्ट करना चाहते हैं कैलकुलेटर हमने कैलकुलेटर सेलेक्ट कर दिया और जब हम इसको डबल टैप करेंगे तो हमारा कैलकुलेटर ओपन हो जाएगा तो इस टाइप से आप काफ़ी ज़्यादा फीचर के लिए यहाँ पे ऐड कर सकते हैं इस बबल्स पर तो जैसे कि आपको देखने मिलेगा डबल टैप और देखने मिलेगा आपको प्रेस एंड होल्ड प्रेस एंड होल्ड पर आप लगाना चाहते हैं मान लीजिए आपको यहाँ पर मैं बता दूँ जैसे कि वॉल्यूम डाउन रखना चाहते हैं टैप एंड होल्ड पर तो हम इस तरीके से सेलेक्ट करेंगे और जैसे हम इस पर टैप एंड होल्ड करके रखेंगे तो हमारा जो वॉल्यूम है वो डाउन होना शुरू हो जाएगा देख सकते हैं यहाँ पे कम होना शुरू हो चुका है तो इस टाइप से हम इसको सेट कर सकते हैं जिस तरीके से आप इसको एड करना चाहते हैं यहाँ पे आपको बहुत सारे एडिट के ऑप्शन देखने को मिलते हैं आप अपने हिसाब से इनको सेट कर सकते हैं तो हम थोड़ा सा फ्रेंड्स फिर से बैक आएंगे फिर आपको देखने को मिलेगा फीस फॉर ब्यूटी कॉल्स इस ऑप्शन पर क्लिक करा के आप यहाँ पे ब्यूटी के लिए सेट कर सकते हैं कि आपके कौन कौन से जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उस पर आपकी जो वीडियो कॉल हो उस पर ब्यूटी होकर जाना चाहिए जैसे कि आप व्हाट्सअप को सेट करना चाहते हैं व्हाट्सएप आइए व्हाट्सएप आपको इंस्टॉल करना है मेरे फोन में इंस्टॉल नहीं है इसको आपको

काफी अमेजिंग फीचर रहता है जैसे कि बाबरेट पर आप रखना चाहते हैं तो फोन को शेड्यूल पर तो वो भी सेट कर सकते हैं जैसे जैसे कि कि आप चाहते हैं आपका फोन सुबह बजे बजे से लेकर तक बाप रेट पर रहना चाहिए तो उसको सेट कर सकते हैं या फिर आप किसी टाइम नबाज या फिर किसी मंदिर टेम्पल वगैरह कहीं भी जाते हैं तो आप चाहते हैं उस टाइम आपका फोन साइलेंट रहना चाहिए और वो आपका टाइम भी बना हुआ है जैसे कि आप नौ से दस जाते हैं या फिर चार से पांच जाते हैं जो भी आपका टाइम है उसको आप शेड्यूल पर सेट कर सकते हैं तो यहां से ही काफी अच्छा फीचर देखने को मिल जाता है जिसके बाद आपको एक और फीचर देखने को मिलता है जो कि रहता है आपका शेड्यूल एयरप्लेन मोड इसको भी आप शेड्यूल कर सकते हैं आपका जो बाप है, उसको काउन पे लगा सकते हैं ये भी फीचर देखने को मिलता है तो ये सब अपने हिसाब से आप शेड्यूल बहुत अच्छे से कर पाएंगे इसके बाद आपको देखने को मिलेगा वन हैंडेड इस ऑप्शन पर क्लिक कीजिए और यहाँ से इसको इनेबल कीजिए इसके बाद आप अपने फोन को वन हैंड मोड पर लाना चाहते हैं तो सिंपल इस तरीके से क्लिक करना होता है तो आपका फोन वन हैंड मोड पर आ जाता है अगर आप इसको लेफ्ट हैंड से यूज करना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक कीजिए और इसको इस तरीके से ला सकते हैं तो इस तरीके से वन हैंड मोड पर लेफ्ट एंड राइट पर करके भी इसको ला सकते हैं आप इसको और भी बड़े साइज में करना चाहते हैं तो इस आइकन पर क्लिक करेंगे और यहां से इस तरीके से इसको लार्ज भी कर सकते हैं स्मॉल भी कर सकते हैं क्लोज

जो आपके रिसाइट में एप रहते हैं उनको आप यहाँ पे डिजाइन वगैरह चेंज कर सकते हैं जैसे कि अभी आप देख सकते हैं यहां इस टाइप से आपकी डिजाइन आ रही है आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ एक आइकन देखेगा इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ देख सकते हैं इसका डिजाइन चेंज हो चुका है तो इस टाइप से आप देख सकते हैं काफी अच्छे से आपको यहाँ लुक देखने को मिल जाता है जो भी एप्स को आप ओपन करना चाहते हैं दोबारा से देख सकते हैं कौन कौन सा एप्लीस नाम पर ओपन है तो यहाँ से क्लिक करके आप बहुत आसानी से इसका चेंजेस कर सकते हैं सिंपल एक क्लिक करना होता है इस तरीके से चेंज हो जाता है दोबारा से क्लिक करेंगे तो ये वैसे चेंज हो जाएगा इसको क्लोज करना चाहे तो यहाँ से करके आप क्लोज भी कर सकते हैं अगर किसी भी एप्स को आप पिन करना चाहते हैं तो मान

कर सकते हैं तो देख सकते हैं पिन का आइकन आ चुका है इस पर क्लिक करेंगे तो आप किसी भी एप्स को पिन पे सेट कर सकते हैं मतलब वो एप्लीकेशन यहाँ से बैक नहीं होगा इसको बैक करने के लिए दोनों बटन इसके बाद प्रेस करके रखने होंगे तब ये यह यहाँ से बैक होगा इसके बाद आप यहाँ से किसी भी दूसरे ऐप्स को ओपन कर सकते हैं इस फोन के अंदर फ्रेंड्स अपनी वाईफाई और अपनी हॉटस्पॉट को एक साथ ओपन करा सकते हैं मतलब किसी भी वाईफाई से आप कनेक्टेड हैं किसी अपने फ्रेंड्स के साथ अपनी हॉटस्पॉट के जरिए अगर नेट शेयर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं सिंपल आपको क्या करना है दोनों ही चीजें इस तरीके से ओपन कर लेना है और अपने हॉटस्पॉट की मदद से अपने दूसरे व्यक्ति को वो वाईफाई शेयर कर सकते हैं इस तरीके जैसे किसी के पासपर्ड आपको नहीं पता है और आपका फोन कनेक्टेड है और आप चाहते हैं मेरे फ्रेंड्स से वो नेट वगैरह यूज कराना है तो इस तरीके से आप क्लिक कर दीजिए तो आपका फोन यहाँ पे देख सकते हैं ट्रांसफर कर देगा उस नेट के लिए इसी तरीके से आपको सेटिंग और भी काफी अच्छे फीचर देखने को मिल जाते हैं तो सेटिंग ओपन करेंगे डिस्प्ले

चेंज कर सकते हैं जैसे कि अब आपका इस टाइप इस का चल रहा है इसको उसका इस स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं है। है। तो है, है। उसके लिए आपको यहां पर क्लिक करना होगा इस पर देख सकते हैं यहां पे काफी अच्छे अच्छे आपको एनिमेशन स्टाइल देखने को मिल जाते हैं तो आप जिस टाइप का चाहे फेस एनिमेशन स्टाइल उसको आप सेट करके अप्लाई कर दीजिए तो आपका टाइप से चेंज हो जाएगा इसके बाद आपको एक और चीज यहां पे बता दूं लॉक स्क्रीन पर जो आपकी कस्टमाइजेशन है लॉक स्क्रीन को आप बहुत अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं उसके लिए हम शॉर्टकट एंड एक्सेस क्लेब्रिटी में जाएंगे जिसके बाद आपको देखने को मिलेगा स्मार्ट मोशन इस ऑप्शन पर क्लिक करके स्मार्ट वेब देखने को मिलेगा इस ऑप्शन पर जाएंगे यहां आपको देखने को मिल जाता है स्वाइप अप टू अनलॉक इस वाली फीचर को इनेबल करके रखते हैं तो आपको क्या करना बन फिंगर लेना और इस से अप कर देना तो आपकी जो स्क्रीन है वो ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगी देख सकते हैं स्क्रीन ऑन हो गई है इसी के साथ आपको देखने को मिल जाता है स्वाइप डाउन टू तो टेक ए फोटो अब आपको क्या करना लॉक स्क्रीन करना है और लॉक स्क्रीन कैमरा को ओपन करना है तो बन फिंगर लीजिए इस सर के डाउन कीजिए तो आपका जो कैमरा है वो ओपन हो जाएगा तो देख सकते हैं कैमरा ओपन हो चुका है तो इसी दिन जल्दी से आप यहाँ पर कैमरे को ओपन करा सकते हैं काफी फास्टली अब आपको लॉक स्क्रीन पे ही बिना लॉक अनलॉक किए स्क्रीन को म्यूजिक प्ले करना है तो इस फीचर को इनेबल कीजिए। इसको इनेबल करेंगे तो लॉक स्क्रीन पे क्या करना है आपको एम टाइप करना है जैसे आप एम के लिए टाइप करेंगे तो आपकी लॉक स्क्रीन पे म्यूजिक प्ले हो जाएगा इसके साथ ही फ्रेंड्स आपको देखने मिल जाता है ड्रो यहाँ पे स्वाइप हॉरिजेंटल टू चेंज म्यूजिक इस वाले फीसर को इनेबल करेंगे तो लॉक स्क्रीन पर ही आप गाने को बदल भी सकते हैं अब आपको क्या करना है जैसे गाना आपको चेंज करना है तो बन फिंगर लीजिए इस तरीके से चेंज कर सकते हैं प्रिव्यू करना है गाना तो इस तरीके से क्लिक करके प्रिव्यू कर सकते हैं नेक्स्ट करना है इस तरीके से क्लिक करके नेक्स्ट कर सकते हैं तो ये सब फीचर आपको यहां देखने को मिल जाते हैं इसके साथ ही आपको देखो मिल जाता है ड्रो एफ टू लॉन्च फेसबुक अगर इस फीचर को इनेबल करेंगे तो लॉक स्क्रीन पर आप फेसबुक को ओपन करा सकते हैं सिंपल आपको लॉक स्क्रीन पर एफ टाइप करना है जैसे आप एफ के लिए बनाएंगे तो यहाँ मेरा कैमरा ओपन

क्रोम के लिए सेलेक्ट किया है हम इकली यहाँ पे स्क्रीन पे बनाएंगे तो हमारा क्रोम देख सकते हैं यहाँ पे ओपन हो जाएगा तो देख सकते हैं क्रोम ओपन हो चुका है तो इस टाइप से हम लॉक स्क्रीन पे काफी ज्यादा एप्स को कंट्रोल कर सकते हैं आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी वीडियो अच्छा लगाओ तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और आप चाहते इसी टाइप के और फीचर के बारे में जानना तो नए नए अपडेट में ऐसे फीचर आपको बहुत सारे मिलते रहेंगे तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए जिससे आपको पता चलता रहेगा नए नए अपडेट आपको कब मिलने वाले हैं और उन, उन अपडेट में क्या क्या नए फीचर मिलेंगे ये भी पता चलता रहेगा तो आपको ये सब जाना तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें तो चलिए फ्रेंड्स मिलते नहीं वीडियो के साथ तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर